Hey guys, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। सीक्रेट वॉर जब से अनाउंस हुई है तो सभी को यह लगता है कि डॉक्टर डूम उसका ऑफिशियली विलेन होने वाला है। क्या कास्टिंग होगी, कौन उसको प्ले करेगा, स्टोरी क्या रहेगी डॉक्टर डूम की, तो काफी लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। बट हमसे ज्यादा तो आगे भाई एमसीयू निकला। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो एकदम शॉकिंग न्यूज़ है और एकदम कंफर्म है। अब कंफर्म कैसे है भाई, वकांडा फॉरएवर का पहले प्लॉट लीक हो गया था जो कि आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, और मैंने उसमें बताया था कि आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे। और उस मूवी में जो साइंटिफिक टीम है जो कि इन्हें अटलांटिस में इन्हें रिसर्च कर रही है वो एक्चुअल डॉक्टर डूम ने भेजी थी। तो ऐसा कुछ प्लॉट लीक हुआ था, पर ट्रेलर आने के बाद उस प्लॉट में इतनी ज्यादा सच्चाई दिख रही है कि मुझे लगता है वही होने वाला है। बट अब आने वाले टाइम में अपडेट ये आया है आज के दिन कि डॉक्टर डूम के ऑलरेडी पहली कास्टिंग हो चुकी है, प्ले करने वाला बंदा भी उन्हें मिल चुका है, बट अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि कौन प्ले करने वाला है। और उसी के साथ वो कैरेक्टर का शूट भी हो चुका है और पोस्ट क्रेडिट सीन या मूवी में डॉक्टर डूम का पार्ट है, और फैंटास्टिक फोर मूवी में तो दिखाया जाएगा और आने वाली सीक्रेट वॉर मूवी में उसका बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। तो यही कहने का मतलब है मेरा इस वीडियो में कि भाई वकांडा फॉरएवर में आपको रिवील्ड हो जाएगा कि डॉक्टर डूम का एक्चुअल में कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। यानी कि फैंटास्टिक फोर से पहले हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई डॉक्टर डूम जो कैरेक्टर बहुत बड़ा लेवल का होने वाला है कौन प्ले करेगा, कैसा होगा कैरेक्टर। ऑलरेडी मार्वल ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, शूट भी कर रखा है और हमें वो मूवी में दिखने वाला है। आपको ये अपडेट कैसा लगा जानकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।